स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। जबलपुर पहुंचे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया ने जबलपुर कलेक्ट्रेट बैठक कक्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक ली। वहीं कुसमारिया ने हरियाणा चुनाव में बीजेपी की बढ़त को लेकर कहा कि अच्छी बात है, विकास होगा, देश सुरक्षित रहेगा, आतंकवाद नहीं होगा, जनता समझदार है। आजकल वही आतंकवाद को लेकर कुसमारिया ने कहा कि सबसे पहले जनता की सुरक्षा होगी, सुरक्षा है तो सब कुछ है। धन्यवाद करेंगे शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं। राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री खोलने पर कुसमारिया ने कहा कि सबको मिठाई खिलाएं, राहुल गांधी इतना ध्यान रखें कि लोगों को शुगर न होने पाए। वही बैठक को लेकर कुसमारिया ने कहा कि सरकार ने जो दायित्व दिया है यह संवैधानिक कार्य है, वही हक के अनुकूल हम लोगों को हक दिला सके इसको लेकर प्रयत्न किया जा रहा है और निश्चित सुधार आएगा। हरियाणा में जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है, अच्छी बात है ना, विकास होगा, देश सुरक्षित रहेगा, आतंकवाद नहीं होगा, सारी बात हो गई। इसलिए जनता बहुत समझदार है आजकल। और इसलिए नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से वही नक्सलवाद, आतंकवाद, ये तमाम जो हैं, सबसे पहले जनता की सुरक्षा हो, सुरक्षा है तो सब कुछ है, विकास भी होगा, सब कुछ होगा। सुरक्षा नहीं होगी तो आदमी अपने प्राण बचाने ही में लगा रहेगा, है ना। इसलिए हमारी धन्यवाद करेंगे हम अपने शीर्ष नेतृत्व को कि उनने जो कदम उठाए और उनका परिणाम जो है ठीक आ रहा। विपक्ष लगातार कह रही थी कि हम मजबूत हैं, हम आने वाले हैं। अब वो विपक्ष का अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको मिठाई खिलाएं, पूरे देश को क्या दिक्कत है, खोलें जलेबी की फैक्ट्री खोलें। आज एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, अब इतना ध्यान रखें कि लोगों को शुगर ना होने पाए। एक बड़ी बैठक आज आ पाए यहाँ पर, बैठक लेने जा रहे हैं। हाँ, ये पिछड़े वर्ग की बैठक है, पिछड़े वर्ग आयोग के हम पार्टी ने हमें मुख्यमंत्री ने दायित्व तो दिया है, ये संवैधानिक काम है, तो जो पिछड़े वर्ग में जो उनके हक हैं उन हक के अनुकूल हम उनको सुविधा दिला सकें इस हेतु प्रयत्न है हमारा। और हमें लगता है कि सबका सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सुधार आएगा, कुछ नया देखने को मिल सकता है। अब हम तो लीग से हट के चलते ही हैं, हमने जब कॉलेज में MSc PhD किया तो हमारे क्षेत्र में डकैतों की समस्या थी, तो हमने नौकरी नहीं करी, ताल ठोक करके डकैतों से भिड़े और इसका परिणाम ये हुआ, जनता ने हमारा भरोसा किया और हमें नौ चुनाव जिताए रेगुलर, 5 लोकसभा, 4 विधानसभा, आपके यहाँ से कृषि मंत्री भी रहे, यहाँ के प्रभारी भी रहे हम, तो और यहीं जबलपुर से हमने एजुकेशन की। तो कहने का मतलब ये है, ये हर काम जो है चैलेंज होता है, ये रिस्क होती है, उसको स्वीकार करना और उसके ऊपर अमल करना ये बहुत ज़रूरी है, तब जाके कोई परिणाम मिलता है। तो हमने इसको चैलेंज के तौर पर इसको स्वीकार किया है और हमें भरोसा है कि हम अच्छे से अच्छा लोगों के लिए कर पाएंगे।